में मीना लेमिनेस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसानों की लड़कियों ने अन्न त्याग आंदोलन लिया पीछे, शिवसेना को खुश करने के लिए इन दो नेता का भाजन देगी बलि, चार पुलिस अधिकारी और 9 होमगार्ड जवान पर की गाज, कर्तव्यहीनता में सस्पेंड। अब देखते हैं खबरें विस्तार। अहमदनगर खेती के माल के भाव मिलने के लिए पुणतांबा यह अन्न त्याग आंदोलन करने वाली लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्त में लेके जिला रुग्णालय में भर्ती किया है। इन लड़कियों ने अन्न त्याग आंदोलन पीछे लिया है। दुग्ध विकास और पशु संवर्धन मंत्री अर्जुन खोतकर इनके साथ चर्चा करने के बाद रास्ता मिला है। 5 दिनों से पुणतांबा यहाँ किसानों की लड़कियों ने अन्न त्याग आंदोलन शुरू किया है। उन लड़कियों की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। मुंबई गठबंधन होगा या नहीं, यह संभ्रम आज भी कायम है। शिवसेना कई जगहों पर भाजपा की ओर बैठी है। देश में सत्ता हासिल करना है तो महाराष्ट्र की मदद भाजपा को लेनी ही होगी, यह भाजपा जानती है। भाजपा प्रयत्नशील है, लेकिन इसमें भाजपा के कुछ नेताओं की पीछे हाथ स्वीकारनी पड़ेगी। क्या तो कहीं शिवसेना को मनाने के लिए ज्येष्ठ नेता एकनाथ खड़से और प्रदेशाध्यक्ष राव साहेब दानवे इनका राजकीय बलि देने का विचार पक्ष में शुरू है, ऐसी जानकारी विश्वसनीय स्रोत ने दी है। इसके लिए रावेर और जालना मतदार संघ शिवसेना को छोड़ने में आएगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। कर्तव्यहीनता के आरोप में जिले के 4 पुलिस पदाधिकारी और 9 होमगार्ड जवानों को निलंबित कर दिया गया है। कार्यवाही की हद में आने वालों में परवत्ता के थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, दरोगा केशव कुमार, मानसी के दरोगा अनिल कुमार सिंह, महेशकुंड के दरोगा हरेंद्र सिंह सहित होमगार्ड जवान 9 लोग शामिल है। परवत्ता थाना अध्यक्ष को DIG ने सस्पेंड किया है। वही अन्य सभी दरोगा व होमगार्ड जवानों पर SP ने कार्रवाई की है। SP मीनू कुमारी ने बताया कि परवत्ता में 2 बेगुनाह युवकों को शराबी बताकर जेल भेजने के मामले में बोगरी SDO और सर्किल इंस्पेक्टर की जांच रिपोर्ट के आधार पर वहां के थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह और दरोगा केशव पर कार्रवाई हुई है। अवैध वसूली करने के आरोप में मानसी और महेशकुंड के दरोगा और होमगार्ड जवानों पर कार्यवाही की जा रही है। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।